नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ डिम्पी कालरा। और मैं हूँ रिशा रायर दवर। अगले एक घंटे में काफी सारी खबरें हैं आपके लिए और अपने गेस्ट से भी बात करेंगे। आज का ट्रेड सेटअप कैसे लग रहा है, क्या करना चाहिए आपको जबकि इतनी गिरावट आ चुकी है मार्केट में पिछले दो दिनों में, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वैसे आज देखा जाए तो ये पूरा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, ये काफ़ी ओमनी प्रेजेंट होते जा रहा है, हर जगह फैलते जा रहा है। कल हमने देखा कि यूएस मार्केट्स भी 1% नीचे क्लोज हुए और आज एशिया में भी काफ़ी दबाव बना हुआ है क्योंकि जो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। अब नॉर्थ कोरिया कह रहे हैं कि हमारे पास ये हक है कि हम यूएस प्लेन फाइटर जेट्स को शूट कर सकें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में ऑलरेडी जंग का ऐलान कर दिया है। तो इसी को लेकर थोड़ी सी चिंता है और अभी हम देख रहे हैं कि एसजेक्स निफ्टी 14 पॉइंट नीचे है। तो फिर से दो दिन की भारी गिरावट के बाद पता नहीं कब हमें एक रिस्पाइट मिलेगा, कब हमें एक बाउंस बैक मिलेगा। शुरुआत तो शायद थोड़ी सी वीक ही रहेगी या सेमी सी ही रहेगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, घबराहट के साथ ही है मार्केट्स हैं सभी। आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखिए ना, कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि बाजार के अंदर बहुत स्मार्ट पुल बैक आना है। आप बुल फेस में हैं, ये बात नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में जिस तरह की सेलिंग देखने को मिले, जैसे बाजार टूटा है, ऐसा लग रहा है कि शलो मार्केट है ये। और ना केवल सिर्फ यही मार्केट अगर आप देखें, आप केवल नॉर्थ कोरिया यूएस का, बल्कि भारत में अपनी ग्रोथ स्टोरी को लेकर भी कुछ कंसर्न्स खड़े हुए हैं, उसको लेकर भी कुछ जवाब बाजार सुनना चाहता है, जानना चाहता है। सौभाग्य स्कीम कल जब शाम को लॉन्च हुई है, आज उसका इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर पॉकेट में पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन FIs ये भी एक बड़ा रोल अपना रहे हैं समय अनिशा मार्केट के अंदर, और उनकी तरफ से भी आप देखें किसी तरह की कोई रिस्पाइट, कोई किसी तरह की कोई फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिल रही है, डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही है। तो आपके पास जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं जो मार्केट को नहीं चाहिए, आपके पास पॉलिसीज को लेकर थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए जो भी मार्केट के पास नहीं है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस का पैसा चाहिए जो अभी इस समय नहीं है। तो ये तीन बेसिक चीज़ें, और दूसरा जो और फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपका रुका हुआ सेक्टर बैंकिंग को लेकर रिफॉर्म्स हो जाए, ऐसा नहीं है, रुपया आपका ऑलरेडी कमज़ोर है, क्रूड 26 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुँच गया है, ये सारी चीज़ें इकॉनमी और बाजार को बिल्कुल नहीं भाती हैं, इसलिए मार्केट ऐसा कुछ है। FIs की तरफ से फिर से 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग आ रही है और कल जिस तरह 9900 का लेवल टूटा तो FNO मार्केट में भी थोड़ी सी कुछ टाइप का पैनिक तो रहा होगा। पैनिक तो है ही अनिशा, देखिए ये मार्केट ने जब 10,000 की कॉल्स को राइटिंग करना शुरू किया था तभी से समझ में आ गया था कि सिर्फ खबर का वेट है, और ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया वाली खबर पिछले दो दिन या तीन दिन में आई है, ये तो पिछले एक महीने से चल रही है। लेकिन मार्केट को बहाना चाहिए, बहाना क्या, मार्केट को एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ से अपने आप को, अपने फेयर वैल्यू को कोई की तरफ वो भागता हुआ दिखे, ये सिर्फ वही पॉइंट है। अब 10,000 की कॉल कल फिर 75% टूटी, 10,100 की दिखाइए, 10,200 की कॉल दिखाइए, उन सभी के अंदर लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। पुट्स का एकुमुलेशन बिल्कुल नहीं है मार्केट्स के अंदर, जो एकुमुलेशन दिख भी रहा है वो 9800 की पुट थोड़ी इंपॉर्टेंस है, आज इसको ध्यान में रखिएगा। 9800 की पुट के अंदर अगर आप शुरुआत में ही, ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9800 की पुट के अंदर जो 23 रुपये की है, कल 5 रुपये बढ़ी है, 28% चली है, इस पुट के अंदर अगर अर्ली ट्रेड में फिर से बाइंग आना शुरू हो जाती है तो आप अभी बाजार में रुकिएगा। इसके अंदर बाइंग नहीं आती है, ये फर्स्ट इंडिकेटर हो जाएगा कि मार्केट का यहाँ पे एक बेस है, इसलिए हमने एक आउटलुक भी ड्रॉ कर लिया है, जरा आउटलुक भी दिखाइए। आज का आउटलुक ये कहता है मार्केट के अंदर आज फिर से सपाट या फिर थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग आपको मिलेगी, और इसमें 98 एक अहम रोल अपनाएगा, हर 100 पॉइंट मार्केट के लिए बहुत अहम है, 9800 की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी 24,000 नहीं छूटना चाहिए, कल तो किसी तरह से हमने 24,200 को बचाया है, 24,150 आज का अहम सपोर्ट। बैंकिंग पर ध्यान रखिए, फार्मा, रिटेल, आईटी, ये कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर आपको ध्यान रखना होगा सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप यहाँ पे कुछ ट्रेड देख रहे हैं। FIs की लगातार बिकवाली है, इसलिए बड़े सौदे से फिलहाल बचना चाहिए, रुकना चाहिए, जो भी काम करें छोटी छोटी पॉकेट्स के साथ काम करें। सितंबर सीरीज की वादा एक्सपायरी इसी हफ्ते है, 48 घंटे के बाद ये सीरीज एक्सपायर हो जाएगी, जो कि 2.5% अभी तक ऐसा लग रहा है कि नीचे जाके एक्सपायर होगी, और पिछले 3 साल से लगातार सितंबर सीरीज 2% से ज़्यादा का नुकसान दे रही है, तो ये बार भी सीरीज जो है
थोड़ा कमजोरी दिख रही है। राजेश सतपुते इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार समझ लेते हैं वो कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को। राजेश शुक्रिया, जितने संकेत हमको समझ में आए उसमें से किसी में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है, वो या तो जस के तस है या तो और ही वर्स्ट हुए हैं, बाजार कैसे देखते हैं बाप सर? डिम्पी डेफिनेटली मार्केट वीक है और हमने देखा निफ्टी ने भी यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन किया, नया हाई बनाया लेकिन सस्टेन नहीं किया। अगर डेली चार्ट पे देखें तो इसको हम लोग निगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी से एक रिवर्सल सिग्नल मिलता है और वो रिवर्सल सिग्नल काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कल थोड़ा सा मेरा जो कंसर्न था वो यही था कि जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट था वो था 9900 का। एक तो ये ऑप्शंस के स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से भी एक सपोर्ट था और दूसरी चीज़ थी कि ये टेक्निकली भी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट था। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट दिखता है वो है 9820-830 के आसपास, जो कि कल भी निफ्टी ने टेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि जब तक ये एक्सपायरी के लिए जब तक निफ्टी 9800 अगर मेंटेन करता है देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट फिर से एक टेक्निकल पुल बैक दे, एक रिलीफ रैली दे, क्योंकि स्टॉक्स जो है ज़्यादातर मिड कैप बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं। तो आप सोचो सिर्फ दो या तीन ट्रेडिंग सेशन में ये हाल है तो अगर बाजार करेक्ट होता है तो क्या? सो वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस फ्रॉम करंट लेवल। ऐसा नहीं है कि हमें पुल बैक रैली बहुत एग्रेसिवली खेलनी है, नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है इट्स बेटर नॉट टू बी हरी, आराम से काम करें एटलीस्ट एज ए पोजिशनल ट्रेडर। लेकिन जो इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे वो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। लेकिन प्योरली फ्रॉम एक्सपायरी पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि 9800 मेंटेन करेगा तो एक कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म टिल एक्सपायरी, जहां पे एक बार के लिए 9900 भी रिटेस्ट करे। ठीक है राजेश, आपके कुछ कैश के सौदे हैं क्या आज के कैश ट्रेड्स? डिम्पी कैश में सौदे तो है, उसमें देखिए एक सेल है जो अडानी एंटरप्राइजेस पे सेल है, जहाँ पे हम लोगों ने 100 जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 120 का, टारगेट 105 का रहेगा। उसके बाद जो बाय बनता है वो टाटा कम्युनिकेशन पे बनता है, बाय ऑन डिप करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 660 और टारगेट रहेगा 710 का। उसके बाद बाय है REC पे, जहाँ पे 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टारगेट रहेगा 172 का। और थर्ड कॉल जो बाय कॉल रहेगा दैट विल बी ऑन GAIL, जहाँ पे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 390 और टारगेट रहेगा 410 का। ठीक है, हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट रजत भी जुड़े हैं जो हमें बता रहे हैं कि आज की टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। रजत बताइए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे अच्छे ट्रेड्स बन सकते हैं? बिल्कुल, आज के दिन के लिए सलाह रहेगी चॉइस ब्रोकिंग की कि श्री इंफ्रा खरीद लीजिए, आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। जो चॉइस ब्रोकिंग मान रहा है श्री इंफ्रा पे टारगेट वो है 110 का, स्टॉप लॉस 99 का फॉलो करना होगा। इस पॉकेट पे बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है ट्रेडर्स की और कल गिरते बाजार में 2.5% के रिटर्न दे रहा था ये स्टॉक, इसको अपने रडार पर रखें। दूसरा है आंध्रा बैंक, बाजार टूटा, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली लेकिन ये इस सीरीज में बहुत स्मार्टली गेन कर रहा है। आंध्रा बैंक पे नजर रखी जा सकती है, लोअर लेवल्स पे खरीदें इसे, 56 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें और 62 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टर पॉइंट, बाजार के दिग्गज कंपनी HUL पे बुलिश है, इनका टारगेट है 1275। ये भी बता दूं कि आज IFL की एक रिपोर्ट भी आई है HUL पे जिसमें उन्होंने टारगेट्स को रिवाइज करके 1274 के कर दिया। तो ये स्टॉक पे एक तो ब्रोकिंग हाउसेस बुलिश हैं और इन्वेस्टर पॉइंट ट्रेडिंग के लिहाज से भी काफी बेहतर पिक समझ रहा है। दो बिकवाली की कॉल्स हैं, एक है चोला फाइनेंस जिसपे हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकती है, आज का टारगेट है 1060 का, 1112 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा इस ट्रेड पे। और दूसरा है कावेरी सीड जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, इस पे भी टेक्निकली सेल कॉल निकल के आई है, 492 का टारगेट रहेगा और 520 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पोजीशन बनाई जा सकती है, क्रूड की चाल अब इस सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव समझा जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है 840, स्टॉप लॉस आपको 809 का लगाना होगा। और एक स्टॉक जो कल लाइमलाइट में था, तगड़े रिटर्न दिया था, वो था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट मूव जो बनेगी उसमें नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है 102, स्टॉप लॉस इसमें 96 का आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर जरूर ध्यान रखें, सरकारी नीतियां और इस शेयर का अपना चाल दोनों इंडिकेट करते हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम है। कल 6% था अंतिम बाजी में जब हमने डिस्कस किया था, अब हमको बताया था आशीष कुकरेजा ने कि शेयर को रखिए, कल ये शेयर 15% ऊपर जाके बंद हुआ। आप देखिए ये सारा का सारा मूव करीब 2 बजे के बाद का ही है और 2:30 बजे के बाद उसने एक सडन स्पाइक एक और दिखाया, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन आज का एक नोटिसेबल शेयर होगा। ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ रिलीफ आने वाला है जीएसटी को लेके, तो ये ट्रेडिंग कंपनी जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इनके लिए गुड न्यूज होगी अगर एक्सपोर्ट्स पिकअप कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार की कोशिश तो है ही इंफ्रा, एक्सपोर्ट्स, नौकरियों वाले सेक्टर्स जिसमें कहीं ना कहीं कुछ काम किया जाए। अविनाश मेरे साथ इस भी जुड़ चुके हैं, अविनाश शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। जो ग्लोबल टेंशन है उसको सर एक बार जरा साइड में रखते हैं, भारत में अपनी ही ऐसी कुछ चीजें
चीजें चल रही है जिसको लेकर बाजार सुनना और थोड़ी क्लैरिटी चाहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सरकार जो भी नियम उठा रही है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, स्टिमुलस हम भी नहीं बोल रहे, अलग अलग सेक्टर्स को रिवाइव करने की जो बात है, ये बाजार को चलाएगी या बाजार को तोड़ेगी? मुझे लग रहा है कि डिम्पी, आई थिंक कल ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जी ने जो नया पावर रिलेटेड सौभाग्य स्कीम अनाउंस किया है, यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी फायदा होगा। और मुझे लग रहा है कि ये एक शुरुआत है। आई थिंक जैसे अनिशा ने कहा, एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए या एक्सपोर्टर्स के लिए भी कोई बेनिफिट्स आने की उम्मीद है, तो गवर्नमेंट ज़रूर कोशिश कर रही है कि जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है, GST का इम्पैक्ट है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करे, क्योंकि आने वाले एक दो क्वार्टर्स अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े चैलेंजिंग रहेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक रिलीफ डेफिनेटली कितना बड़ा होगा, इसका मल्टीप्लायर कितना होगा और इसलिए कहां से गवर्नमेंट पैसा जुटाएगी, ये सारे इश्यूज मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। बट जैसे आपने कहा कि मार्केट्स में क्लियरली जो रुपया का ट्रेंड है वो अगर वीक कंटिन्यूसली रहता है तो मेरे ख्याल से सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा हावी हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट्स के अंदर ये बात तो है। एक जरा वापस आपको सारे के सारे कॉल्स में बता देता हूं। श्री इंफ्रा, आंध्रा बैंक, HUL जैसे शेयर्स पे ध्यान रखना है। चोला फाइनेंस, कावेरी सीड्स, ये दोनों सेल कॉल्स हैं जो कि अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट से हमको मिली हैं, अलग अलग हाउसेस ये राय दे रहे हैं। और जो अभी हमको ट्रेड मिले हैं राजेश सतपुते की तरफ से, वो गेल है, REC है और टाटा कम्युनिकेशन है। ये तीनों कॉल्स प्लस करने के लिए उन्होंने हमको दी हैं। आप इन सभी कॉल्स पर एक बार ध्यान रख सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस पर उनका व्यू थोड़ा सा वेरिश है अभी, तो तीन कॉल प्लस की राजेश की तरफ से। श्री, आंध्रा, HUL, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ एक बेहतर शेयर है और इंडेक्स 9800 का सपोर्ट लेगा। तो आपको 10 मिनट में ग्लोबल मार्केट, कुछ ट्रेड्स, इंडेक्स, ये सब कुछ आपके सामने हमने रखा है। ऐसा नहीं कि ट्रेड्स खत्म हो गए हैं या खबरें खत्म हो गई, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आज खबरों वाले शेयर्स भी रखेंगे, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी है, वो भी आपके सामने उतारेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।